महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर लगभग गोवा, गोवा के साथ यहाँ पर कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ में यहाँ पर ये केरल, और केरल के यहाँ पर टी एन लिख देते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु के साथ में यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर उड़ीसा, और उड़ीसा से भी थोड़ा ऊपर यहाँ पर जाएंगे तो वेस्ट बंगाल, ये पूरा पूरा वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा मैप में एडजस्ट करिएगा, आप अपने एटलस में मिलाइएगा। तो ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ। तो ये भारत के नौ राज्य ऐसे हो गए जो तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अब इनमें भी एक प्रश्न बन जाता है, बताइए कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसके, सबसे ज्यादा तटीय सीमा, सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के पास है, लगभग 1200 किलोमीटर की इसकी तटीय सीमा है, लगभग 1200 किलोमीटर की इसकी तटीय सीमा है। दूसरे नंबर पर भी अगर प्रश्न पूछा है, दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश तटीय सीमा के मामले में। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताइए तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर आप याद कर लेंगे कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। आप इसको एकदम से याद कर लेंगे कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर। परंतु अभी हमने आपको बताया था कि भारत के यहां पर कुछ द्वीप भी शामिल हैं, तो ये भी तो इनकी भी तो कुछ लंबाई होगी। तो यहां पर एक और प्रश्न पूछा जाता है, यहां पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अगर बात करें कि द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर, ये हो जाएगी द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई। कैसे हो जाएगी? द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई। ठीक है, चलिए अब हमने आपको कहा कि यहां तक की, यहां से यहां तक की ये लंबाई होगी 6100 किलोमीटर, और द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो 7516 किलोमीटर। अभी ऊपर उतना बचा तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो उसको भी समझ लेते हैं यहां पर। तो यहां पर समझ लेते हैं कि स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 15200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 15200 किलोमीटर, स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें कि कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, तो इस सब को जोड़ देंगे दोस्तों, तो यह 22716.6 किलोमीटर, 22716.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। यहां तक ये बात क्लियर हो गई, यहां तक ये बात हमारी समझ में आ गई, बात क्लियर है। अब हमने आपको बताया, यहां पर आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पे कहा कि इसकी कुल लंबाई होगी 22716.6 किलोमीटर। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे यहां भारत के नजदीक से एक रेखा गुजर के जाती है, तो उसको भी हम बता दें यहां पर अभी। यहां से अच्छा से विस्तार हमने आपको बताया था यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर, यहां पर मान लेते हैं 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अच्छा से विस्तार है। तो इसके मध्य से एक रेखा गुजर के जाती है, जिस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि क्या है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में अगर आप लिखेंगे, आपको समझना है, तो आप लिखेंगे कि एक ऐसी रेखा, एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एन इमेजिनरी लाइन, जो भारत को, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उस रेखा का नाम हो जाएगा कर्क रेखा। क्या नाम हो जाएगा उस रेखा का? उस रेखा का नाम हो जाएगा कर्क रेखा। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो भारत को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, उस रेखा का नाम हो जाएगा कर्क रेखा। मान लेते हैं ये है हमारी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सबसे पहली बात, इसकी स्थिति क्या है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, हमने कहा कि इसकी स्थिति क्या है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ इस कर्क रेखा की स्थिति है। प्रश्न पूछा था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस 8 वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया,
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। उन राज्यों के नाम दोस्तों आपको बता चुके हैं, एटलस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको एटलस अपने आंखों के सामने रखना पड़ेगा, आपको एटलस से समझना पड़ेगा, बिना एटलस के आप ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पूरा मैप तो मैं आपको नहीं बना सकता, एक एक चीज नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर एक एक चीज को दिखाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आप एटलस खोल के बैठे उसको समझें, आप यहां पर राज करेंगे। और मैं कभी भी आपको यह सलाह नहीं दूंगा कि कर्क रेखा से संबंधित मैं आपको कोई ट्रिक बताऊं, ट्रिक जब भी मैं आपको बताऊंगा विश्व के लेवल की ट्रिक बताऊंगा, जहां पर वर्ल्ड में चीजों को याद करने में प्रॉब्लम होगी, भारत में मैं आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि भारत में कम से कम आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम भारत के 28 राज्य तो याद होने चाहिए, भारत की स्थितियां तो आपको याद होने चाहिए। तो कर्क रेखा की भी ट्रिक है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं, उसको हम नहीं बताएंगे, आपको सीधा याद करना पड़ेगा। तो कर्क रेखा में अगर बात करेंगे, यहां से लेंगे तो ये हो गया गुजरात, गुजरात के बाद ये लग जाएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद लग जाएगा मध्य प्रदेश, यहां पर थोड़ा छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा, और यहां पर ये मिजोरम। बात करेंगे कौन कौन से, तो एक तरफ से बात करते हैं गुजरात, गुजरात के नीचे आ जाएगा राजस्थान, गुजरात राजस्थान, उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद थोड़ा सा ये रह गया छत्तीसगढ़। तो यहां पर हमने कहा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहां पर आ जाएगा हमारा साहब ये पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, यहां पर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, और यहां पर हो जाएगा हमारा मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास 8 वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, तो वे 8 राज्य कौन कौन से हैं, उन 8 राज्यों के बारे में हमने आपको बता दी। अब इसमें भी प्रश्न आता है, बताइए कि सबसे ज्यादा लंबाई, इसमें भी प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में, यहां पर सबसे ज्यादा लंबाई है, सबसे ज्यादा लंबाई, तो सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है, तो सबसे ज्यादा लंबाई है मध्य प्रदेश में, कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगर बात करें कि सबसे कम लंबाई कहां पर है, तो सबसे कम लंबाई है राजस्थान में, सबसे कम लंबाई, तो सबसे कम लंबाई कहां पर है, राजस्थान में सबसे कम लंबाई है, सबसे ज्यादा लंबाई है मध्य प्रदेश में। यहां तक ये बात आपकी समझ में आ गई। इस कर्क रेखा के समानांतर ही एक रेखा ऊपर से आती है, जिस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसको भी समझेंगे थोड़ा ध्यान से। अगर इसकी बात करें कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा का मतलब है कि जहां से समय को हमने मापा जाता है, फिक्स किया था, आपको बताएंगे हम जब अक्षांश देशांतर कराएंगे कि वहां पर मानक समय क्या होता है, हम कैसे मानते हैं, कैसे समय निकालते हैं, इनकी बात आपसे करेंगे। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो कि लंदन के समय से, या ऐसे प्रश्न आ जाए कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है भारत का समय लंदन के समय से, 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि दुनिया में जो टाइम का जो मेजर किया जाता है, मापन किया जाता है, वो लंदन स्थित प्रयोगशाला से किया जाता है। इन चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे आप। तो 82.5 डिग्री रेखा है जो भारत के मानक समय यहां से मापा जाता है। यह भी प्रश्न आता है कि कितने राज्यों से आती है, तो 5 राज्यों से आती है। कितने राज्यों से आती है? 5 राज्यों से आती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये वे राज्य हैं जहां से 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री रेखा यहां से गुजरती है। ये वे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बात क्लियर है? तो 82.5 डिग्री रेखा कहां से गुजरती है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, भारत के चारों बिंदु, भारत का अक्षांश विस्तार, भारत का देशांतर विस्तार, भारत के बारे में। हाँ, एक प्रश्न और यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है, विच रिवर डिवाइडेड टू टाइम डिवाइडेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो इस नदी का नाम होगा माही नदी। बताएंगे नदियों के बारे में पढ़ाते वक्त सब चीज, हर चीज का एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अनुसार हम इसमें चलेंगे। तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, आप यहां पर यह बात याद कर लेंगे। तो माही नदी के बारे में ये बात आपको पता चल गई। 82.5 डिग्री के बारे में आपने पढ़ लिया, 23.5 डिग्री के बारे में आपने पढ़ लिया, आपने भारत की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ लिया, भारत एशिया में सार्क के बारे में पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया कि सार्क के सदस्य कौन कौन से हैं, आपने भारत में क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ लिया, जनसंख्या के आधार पर पढ़ लिया। अब हम बात इसमें करेंगे, आपने भारत के तटीय राज्यों के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा बच जाता है, वो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें बच जाता है, भारत के पड़ोसी देश और भारत की जलीय सीमा। तो अगला हेडिंग आप डाल लेंगे, भारत के पड़ोसी देश और भारत की जलीय सीमा, बात क्लियर है। तो इससे आगे का काम जो हम अगली क्लास में करेंगे, यहां तक इसको इतना ही रोक देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।